कहते कि आओ हमारे साथ एक बार आओ क्योंकि मेरी आवाज़ शायद यहाँ तक जा रही होगी, लेकिन अगर हम सब बोलेंगे एक बार जस्ट बोलेंगे सब लोगों की आवाज़ आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी
हथियारों को, गोली मारो सालों को, डॉक्टर के हथियारों को, गोली मारो सालों को, चलन करो, पूरे भारत देश के लिए शर्मसार है। अभी लोगों को तलने की जल्दी हो रखी है।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की ये घटना के 2 साल की बेटी के साथ किसने जन्म लिया हुआ था, उस बच्चे ने क्या देखा था अपनी जिंदगी में, आखिर क्यों, उसने कैसे कपड़े पहने थे। जो लोग ये कपड़ों में कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों से भी ये चीज पूछना चाहूंगा, क्या वो 2 साल बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था जिसके अंदर किसी चीज की मोह थी, किसी चीज की माया थी। लेकिन नहीं, सभी को अपनी बात और जिंदगी में आगे हो जाना है। क्या हमारे साथ कोई भी 60 लाख क्या किया, अगर जनसंख्या है क्या हमारे यहाँ 4000 बच्चा आने को तैयार नहीं है? क्यों आखिरकार हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी हो रखी है? उस घर का तो हम सभी ने राखी बांधी, हम सभी लोगों ने रक्षाबंधन मनाया, लेकिन क्या उसको उस घर का समझा, क्या उस भाई का समझा जिसने अपनी बहन को, ये क्या हम लोगों में इतनी भी शर्म नहीं बची? सभी लोगों से मैं आता हूँ, लगातार 4 साल जो 4 दिनों से ये हम चल रहे हैं, ये लगातार ये जोश हमारा तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उस बेटी को, उस बहन को न्याय नहीं मिल जाए। ये लड़ाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये लड़ाई सिर्फ हमारी उस बहन के लिए नहीं है जो आज तक के हमारे लगातार जो ये केस हो रहे हैं, जितनी भी बहनें हमारी हुई है वो डॉक्टर थी, जो डॉक्टर हमको बताते हैं ताली की आवाज नहीं है, सुनो बस, ताली मत बजाओ, जो डॉक्टर हमको बताते हैं उसी डॉक्टर की उसी हॉस्पिटल में हत्या हो रही है। क्या फायदा, हम अपनी गाय को मां का रूप दिया है, हमने भारत देश को मां का रूप दिया है, तो ये है हमारी। तो सभी लोगों से जो जिन लोगों को जल्दी हो रखी है, आप लोगों को शर्म करने की आवश्यकता है, कम से कम शर्म करो। जो केस वहाँ हो रखे पिछले बार गंगोली हाथ में हुए हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्र तक हो चुके हैं, जहाँ हमारे एक छोटी छोटी जी को मां का रूप दे रहे हैं। सभी लोग रुक जाओ, थोड़ी सी अगर शर्म बची है ना, हमारे साथ रोज आओ, कल से और आओ। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे जिस भाई का खून निकालो, खून नहीं वो पानी है, अरे जिस भाई का खून निकालो, खून नहीं वो पानी है। जब हमने इस कैंपेन की स्टार्ट की थी, हमने पोस्टर डाला था, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि क्या होगा तुम आवाज उठाओगे, तो मैंने बोला क्या नहीं हो सकता, कभी भी एक आग लगती है तो चिंगारी से ही लगती है। और मैंने उनको यह आंसर दिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी आवाज से क्या होने वाला है, मैंने बोला क्या नहीं हो सकता, अगर आज हम पिथौरागढ़ से चिंगारी लगाएंगे तो वो दिल्ली भी पहुंचेगी, कोलकाता भी पहुंचेगी, मुंबई भी पहुंचेगी। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि बेटी क्या कर सकती है, आज बताओ बेटी क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती है बेटी हमारी, बताओ। आज लड़कों से बहुत आगे है बेटी, और दिन प्रतिदिन उसी को ये अन्याय सहना पड़ रहा है, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, उस भाई पे क्या बीती होगी जब वो राखी के दिन अपनी सुनी कलाई देख रहा होगा और अपनी बहन को याद कर रहा होगा। एक मर्द कभी भी नहीं समझ सकता कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान महिला को कितने दर्द से गुजरना पड़ता है, और हर महीने 5 दिन उसको पीरियड्स के दौरान कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। तो हम सभी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और ये आवाज हमें दूर दूर तक पहुंचानी पड़ेगी कि जहां पे भी महिला के साथ अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो तुमने उसके साथ एक बाप एक भाई बहन बैठ के उसके साथ खड़ा होने। मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आवाज उठाई है तो ये मत सोचना कि फिर आवाज नहीं उठानी है। आज इतने सारे लोग आए हैं, कल और सारे लोगों को लाने हैं, और ये आवाज दूर दूर तक पहुंचानी है। डॉक्टर के हथियार को गोली मारो, सालों को देखने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, देखने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डॉक्टर के हथियार को गोली मारो, सालों को डॉक्टर के हथियार को गोली मारो, सालों को बेन शर्मिंदा खून नहीं वो पानी है, जिस भाई का खून निकाला।